हाँ तो भाई साहब कैसे हो। नमस्कार, आपका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एडमिन करियर एकेडमी में। मैं आपका भाई शादाब अंसारी, जैसा कि आनेस्ट रिव्यू देता आया हूँ लास्ट वीडियो UIT होशियारपुर की। भाई साहब डालने के बाद क्या हुआ मेरे साथ, भाई साहब उस वीडियो की आनेस्ट एंड क्लियर कट बातें हुई थी तो उसके बाद इतनी सारी कॉल्स मैसेजेज मेरे को आने लगे। भाई साहब वीडियो डिलीट करने के लिए मुझसे बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाने लगा, बट मैं क्लियर बता दूँ यार, वीडियो डिलीट नहीं हो सकती। जो भी इस चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हैं, फोर्स ना करें, क्योंकि ये ऑनेस्टी है, रियलिटी। कोई ना कोई, मैं नहीं तो कोई ना कोई दिखाएगा ही भाई, क्योंकि ये दुनिया को जो भी स्टूडेंट जा रहे हैं सबको पता होना चाहिए यार, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ का सच क्या है। लास्ट 10-20 ईयर्स जब से कॉलेज चल रहा है यार, तो कॉलेज का सच क्या है, सच क्या है लोगों को पता होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं और जो जानने वाले हैं भाई, उनको पता होना चाहिए अंधेर नगरी चौपट राज वो वाला सीन नहीं है भाई। मेरा सीन क्लियर है, पर्पज है यार, सिस्टम में बदलाव लाने के लिए लगता है मैं बना ही हूँ, तो भाई सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। और भाई जिन बंदों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा Part 1, तो फटाफट जाके Part 1 देखो, UIT होशियारपुर 2024 रिव्यू, ये देख सकते हो आप। ये मैं लगा दे रहा हूँ इसका थंबनेल, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दे रहा हूँ भाई, फटाफट उसको 2024 का रिव्यू देखो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स यार कन्फ्यूज्ड हैं यार, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं कि 2023 में भैया आपने बताया था कि इसका प्लेसमेंट इतना है, तो 2023 भाई 1-2 साल में तो दुनिया बदल जाती है यार। कॉलेज का क्या बात है यार, 1-2 साल में ही कोविड का सीन हुआ, फिर उसके बाद लॉकडाउन, फिर उसके बाद मुझे लगा कैंपस रनिंग फेज में आएगा, देन धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी, बट सिस्टम का सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। और भाई साहब एक क्लियर कट में क्लियर चीज़ क्लियर कर देने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है यार स्टूडेंट्स लेके, जो भी UIT होशियारपुर में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है। तो एक चीज़ क्लियर मैं कर देने वाला हूँ, ये वीडियो स्टूडेंट्स के अगेंस्ट नहीं है। UIT होशियारपुर क्या कहें, पूरे पंजाब यूनिवर्सिटी जैक चंडीगढ़ का जो सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अगेंस्ट होने वाला है ये वीडियो। जो UIT पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम पे UIT होशियारपुर में भाई साहब जो स्कैम चल रहे हैं, जो लड़कों के साथ फीस ली जा रही है इतना, फिर उनको प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, और बहुत सारी मतलब स्ट्रगल, बहुत सारे मतलब चीज़ें फेस करना पड़ रहा, बहुत सारे इश्यूज़ हैं हेल्थ भाई, मेडिकल वगैरह का कुछ भी नाइट में नहीं है। मैंने सारा कुछ लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो यार, अभी मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और 2023 का रिव्यू देख के आप कन्फ्यूज ना हो, 2024 का रिव्यू देखो। अब मैं क्लियर कट कर देने वाला हूँ, तो स्टूडेंट्स आप लोग परेशान मत हो, क्योंकि बिकॉज लास्ट वीडियो से जो भी स्टूडेंट्स अभी फाइनल ईयर में हैं, जिनका भी प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया, थर्ड ईयर सेकेंड ईयर फर्स्ट में जो भी स्टूडेंट्स UIT होशियारपुर में करेंटली, तो उनके लिए मैं बता दूं, जो भी मतलब लास्ट वीडियो का इफेक्ट तो ज़रूर देखने को मिला। जो भी अभी तक UIT होशियारपुर के हिस्ट्री में ऐसा था कि फ़ंड 1200-1500 जो भी स्टूडेंट्स पर हेड प्लेसमेंट फ़ंड कलेक्ट करते थे खुद से, तो वो कलेक्ट नहीं करना पड़ रहा है भाई। ये सारा इफेक्ट देखने को मिल रहा है लास्ट वीडियो को, तो ज़रूर कुछ ना कुछ सही हो रहा है, लग रहा है कुछ सही किया जा रहा है, इफेक्ट तो ज़रूर है भाई, सिस्टम में थोड़ा कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। और बाकी स्टूडेंट्स अगर 10-15 दिन में भी मांगा जा रहा है, तो आपसे विनम्र अनुरोध है फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स, आप लोग पैसे नहीं देंगे कोई, और प्लेसमेंट और कैंपस में कंपनीज विजिट करने के लिए आप जो भी करना हो अभी कर लो भाई, क्योंकि आपकी अपनी डिमांड है यार, आपने 4 साल दिए हैं, क्योंकि बाद में नहीं कर पाते स्टूडेंट 2-4-10 का जो बोलने वाले होते हैं भाई, उनका कहीं ना कहीं अगर लग गया आप कैंपस ट्राई मारेंगे, देन आपको यूनिटी नहीं देखने को मिलेगी भाई। कॉलेज है, स्कूल नहीं है भाई, 4 साल 7-8 लाख रुपये आपने लगाए, आपके एक्सपेक्टेशंस है, आपके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस हैं, तो अभी लग लो। अब बात करते हैं यार, लास्ट वीडियो में लास्ट तक बने रहो यार, जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं लास्ट तक बने रहो। अभी बात करते हैं, अगर सच होता, अगर मैंने झूठ बोला कुछ, बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेज आ रहे हैं, तो UIT होशियारपुर का भाई, जो मैंने बात की प्लेसमेंट की, तो लास्ट ईयर CSC ब्रांच की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो टारगेट करके जाते हैं CSIT ब्रांच, तो CSC ब्रांच का जो हाइएस्ट पैकेज रहा ऑन कैंपस प्लेसमेंट 4.2 LPA,
भाई सीएस ब्रांच का समझ सकते हो, दो स्टूडेंट्स के लगे सेम कंपनी में, 4.2 LPA हाईएस्ट पैकेज। और बात करें यार कंपनीज ऑन कैंपस, भाई साहब कंपनी विजिट ही नहीं हो रही ऑन कैंपस, कैंपस में कोई कंपनी आने का नाम ही नहीं ले, क्योंकि भाई उस पर कोई HR पे कोई फंड वगैरह यूज ही नहीं किया। हाँ तो कोई कंपनी कैंपस में विजिट की ही नहीं भाई लास्ट ईयर। अब बात करें यार अगर कॉलेज में, अगर कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत सारे स्टूडेंट CS IT, भैया CS मिली IT मिली, मैं यहाँ चला जाऊँ भाई गवर्नमेंट कॉलेज है भैया गवर्नमेंट कॉलेज है क्यों ना जाऊँ, तो भाई मैं क्लियर कर दूँ गवर्नमेंट कॉलेज है, नो डाउट गवर्नमेंट कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, आपको डिग्री मिलेगी गवर्नमेंट कॉलेज की, फीस भी कम रहेगी भाई। इसी के कंपेरिजन आपको UPTU में कॉलेज मिल रहे हैं, उससे बेस्ट लोकेशन, उससे बेस्ट मतलब सारी कुछ चीज़ें, एक्सपोजर वगैरह, और इवन थर्ड ईयर में फंडिंग वगैरह भी मिल रही है, तो क्यों ना आप वहाँ जाके यहाँ जाओ UPTU वाले कॉलेज में, अदरवाइज IPU और प्राइवेट कॉलेज में जाओ, 1-2 लाख ज़्यादा लगाओ यार, एक्सपोजर लो और डिफरेंट यार बहुत सारा कुछ इंजॉय करने को। अब बात करें यार कॉलेज की रियलिटी की, अगर कॉलेज का सच है, कॉलेज की बहुत सारे स्टूडेंट्स को गुमराह किया जा रहा है कि उनका प्लेसमेंट हाईएस्ट प्लेसमेंट 16 लाख है, एवरेज 7 लाख है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ है होता तो भाई साहब क्यों साइट पे नहीं दिखाया गया, भाई ऑफिशियल साइट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है ना, तो साइट पे शो होना चाहिए कॉलेज का, ये कंपनी विजिट की, ये इतना प्लेसमेंट लगा, सारा कुछ शो होना चाहिए। और भाई साहब कॉलेज 2002 में इस्टेब्लिश हुआ और अभी तक कॉलेज का 20 से 22 साल जितना भी हो गया, मैं क्लियर नहीं बता रहा हूँ, जितना भी हो गया आप समझ लेना, खुद गणित लगा लेना, जितना भी हो गया तो कोई भी NIRF रैंकिंग अभी तक कॉलेज को नहीं मिली भाई, क्लियर डेटा आपको मिलेगा ही नहीं, इवन मेरे चैनल पे ये सारी रियलिटी मिल रही है आपको। और भाई कॉलेज का साइट क्यों नहीं मेंटेन की जा रही भाई, कौन सा बच्चा कौन से वहाँ प्लेसमेंट हो रहा है, सारा कुछ, कितना हाईएस्ट कितना लोवेस्ट कितना एवरेज। और भाई लास्ट 2024 वाले बैच का लास्ट वीडियो में आप देख लेना, जो भी स्टूडेंट्स वहाँ से पास आउट हैं सारे कमेंट्स आप पढ़ो यार, कमेंट्स पढ़ो, कमेंट में सारा कुछ क्लियर हो रहा है, स्टूडेंट्स रियलिटी बता रहे हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, जिनको भी लगता है लास्ट वीडियो देख के, जिनको भी लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं ये प्लेसमेंट वो प्लेसमेंट ये कंपनी इसके बारे में झूठ बोल रहा हूँ, तो सच आप जो भी फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं और जो भी वहाँ हैं, तो सच आप खुद देख सकते हो, फिर जाना चाहो जा सकते हो, मैं यार बस सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बात करें यार साइट वगैरह तो कुछ अपडेट नहीं, NIRF भी कोई नहीं मिली, और ये वीडियो क्लियर हो गया अगेंस्ट किसके, स्टूडेंट्स के अगेंस्ट नहीं, तो जो भी फाइनल ईयर में हो यार उनको टेंशन नहीं लेने का, बस आप अपने प्लेसमेंट के लिए वहाँ कोशिश करो यार। वीडियो कोई भी HR देखता है, अगर 2024 वाले बैच में दम नहीं होता तो बंदे आप कैंपस नहीं फोड़ते, आप कैंपस यार कोई 20 लाख कोई 15 लाख कोई 8 लाख आप कैंपस कैसे निकाल ले रहे हैं भाई। कॉलेज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ये सारे बहुत बहुत मेजर इश्यूज़ हैं, बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं भाई। इवन आप जा रहे हो किसी कॉलेज में भाई प्लेसमेंट नहीं मिला, 4 साल कोई फेस्ट होना चाहिए, कोई फेस्ट इंजॉयमेंट होना चाहिए, कोई टेक फेस्ट होना चाहिए, कोई कोडिंग कल्चर होना चाहिए, कुछ नहीं भाई, एक हॉस्टल है, हॉस्टल में जाओगे सीनियर से सीनियर सपोर्ट कब मिलेगा भाई, जब सीनियर के साथ हॉस्टल में रहोगे आसपास रहोगे तभी तो सीनियर से इंटरेक्ट कर पाओगे, जब हॉस्टल में रहोगे नहीं कोई इस PG में, कोई वहाँ 2 किलोमीटर कोई 4 किलोमीटर दूर और कोई हॉस्टल में रह रहा है। और भाई मैं क्लियर बता दूँ, अगर आपको लगता है इस कॉलेज में जाना चाहिए, आप में पोटेंशियल है, आप कर सकते हो, देन जा सकते हो यार, आप कैंपस बहुत अच्छा अच्छा, आपके सीनियर जो हैं नो डाउट बच्चे बहुत अच्छे हैं यार, यहाँ के कुछ बच्चे बहुत अच्छा फोड़ रहे हैं यार, यहाँ से IITs NITs में भी गए हैं, और कुछ बच्चे यार, बट याद रखना कुछ इक्का दुक्का यार, सिस्टम माहौल का बहुत इफेक्ट पड़ता है। NITs वगैरह में सारे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, सीनियर सपोर्ट वगैरह सब कुछ मिल जाता है, यहाँ ऐसा कोई कल्चर नहीं है, तो आप सोच लो, और कोई फेस्ट वगैरह नहीं, ना टेक फेस्ट ना कल्चरल इवेंट, कोई भी इवेंट्स वगैरह होते ही नहीं है, और फाइन पे फाइन भाई, इतना ज़्यादा फीस यहाँ पे लिया जा रहा है, क्या बताऊँ आपको, मतलब कोई मैनेजमेंट का कोई वही नहीं भाई, किसी बंदे ने फर्स्ट ईयर में फीस जमा की उसका रिसिप्ट फोर्थ ईयर में मांगा जा रहा है, पास होने के बाद मांगा जा रहा है, ये सारे इश्यूज़ हैं। और लास्ट वीडियो का यार जो भी Part 1 देखना चाहो Part 1 देख लो, और जो भी स्टूडेंट देख रहे हो 2024 का रिव्यू देख के कॉलेज जाओ,
ना कि 2023 का रिव्यू देख के। तो आपने देख लिया यार, लास्ट वीडियो में देखा ही है प्लेसमेंट फंड्स वगैरह को, जो भी है मतलब अभी स्टूडेंट्स नहीं कलेक्ट कर रहे हैं जो भी टीपीसी वगैरह में है, तो इस लास्ट वीडियो का इफेक्ट है भाई। मैं क्लियर बता दूँ, जो भी स्टूडेंट्स वहाँ हैं तो कुछ चेंजिंग आ रही है, और एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा अपील है यार, लास्ट में मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ यार, जो भी सिस्टम में फॉल्ट है वो सिस्टम का फॉल्ट जल्द से जल्द सही कराने की कृपा करें यार। जो भी स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ जो भाई खिलवाड़ हो रहा है, एक ड्रीम एक सपना लेके स्टूडेंट जा रहे हैं यार, उनका वो ड्रीम वो सिस्टम वो कल्चर नहीं मिल पा रहा यार। वहाँ का जो भी मैनेजमेंट जो भी अथॉरिटी है, अथॉरिटी से मेरा अपील है यार, बीसी से, पंजाब यूनिवर्सिटी के बीसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी जिन तक भी ये वीडियो पहुँच रही है, डायरेक्टर वाइस चांसलर किसी तक भी, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स प्रोफेसर्स सपोर्ट करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करने की कोशिश करें, और स्टूडेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मैं मांगने की कोशिश करता हूँ यार। नो डाउट प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, कुछ प्रोफेसर बहुत सपोर्टिव हैं, कुछ हैं थोड़ा मतलब हर जगह यार, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होती हैं ना, तो उसी वही सीन है यार यहाँ पे, तो हर जगह सही गलत होते हैं, तो कुछ फॉल्ट होता है हर जगह, बट यहाँ सिस्टम में बहुत ज़्यादा फॉल्ट है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट ये वीडियो होने हो रही है, तो उन्हीं से अपील है कि सिस्टम में थोड़ा चेंजिंग लाने की कोशिश करें, और जिन भी स्टूडेंट को यार सीएसआईटी मिला है भैया, अगर यहाँ ना लें और रिफ़ंड कैसे होगा? रिफ़ंड यार आपको कॉलेज में जाके, अभी में भी स्पॉट राउंड 2 होने के भी चांसेज हैं, और जो भी कॉलेज अलाट हुआ है वहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह लिख के आप दोगे, देन रिफ़ंड आपका हो जाएगा। जो 40,000 है थोड़ा टाइम लगेगा, बट पूरा पैसा रिफ़ंड हो जाएगा आपको, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और भाई UPTO भी काउंसलिंग बची हुई है, तो UPTO काउंसलिंग में आपको अच्छे अच्छे चार चार पाँच पाँच लाख रैंक पे अच्छे से अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे आपको। और बात करें डार्क साइड ऑफ PU MEET एंड PU LEET, भाई PU LEET एंड PU MEET भी बहुत बड़ा स्कैम है। PU LEET को तो नहीं कह सकते, लेकिन PU MEET बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है आपके साथ। आपको लगता है अगर होशियारपुर आके फिर सेकेंड ईयर में मैं चंडीगढ़ चला जाऊँगा, तो बहुत बड़ा फॉल्ट है भाई, डार्क साइड है ये भी। तो नेक्स्ट वीडियो इस पर होने वाली है, PU MEET एंड PU LEET पे। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो चैनल को सपोर्ट कर लो और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और सीनियर से जो भी वहाँ से पढ़े हुए हैं सपोर्ट करें, लाइक शेयर करें, और जूनियर्स फर्स्ट ईयर वाले मोस्टली सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो डार्क साइड ऑफ PU MEET PU LEET का होने वाला है, और भाई जॉइंट प्लेसमेंट रियल्टी, भाई दो चार कंपनी ये चंडीगढ़ में अलाउ करते हैं, उसमें एक दो स्टूडेंट का प्लेसमेंट होता है, तो आप ये सब चीज़ें देख के मत जाओ, और आप बाकी आप समझदार हो, इनडायरेक्टली सारी चीज़ें बता दी गई हैं। किसी को कोई डाउट्स होता है कभी भी आप कमेंट करो, अदरवाइज मेरे को कॉल करके इंस्टा पे फॉलो करो, कभी भी डाउट्स अपना क्लियर करो। भाई मैं पैसे के लिए वर्क नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं ह्यूमैनिटी, और जो भी स्टूडेंट्स यार परेशान है क्योंकि पेरेंट्स या गरीब लोन लेके कोई बंदा जा रहा है यार, तो वहाँ पे चार साल के बाद एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के सबके होते हैं कि स्टूडेंट्स को अच्छी प्लेसमेंट लग जाए, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ यार। आप अच्छी जगह जाओ, 4 लाख 8 लाख 10 लाख लगाओ, अच्छी जगह लगाओ, ठीक है गाइज? आपका बस सपोर्ट चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो PU MEET एंड PU LEET का डार्क साइड जो है वो दिखाना चाहता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सपोर्ट करो, और सब्सक्राइब करो चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़।